नालागढ़ हिमाचल प्रदेश के जगतपुर पिंड के 41 साल बटालियन हवलदार मेजर कुलदीप सिंह की शहादत तो बाद उन्होंने पार्थिव शरीर का कीरतपुर साहब विखे नम अखा के नाल अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पिंड वासियों तो अलावा भारी संख्या के स्थानक लोग अते मोतवार लोग शहीद की अंतिम संस्कार के पहुंचे। इन्हां सारे वालों शहीद मेजर कुलदीप सिंह नूं श्रद्धांजलि भेंट की गई। नम अखा के नाल शहीद के परिवार वाले ने उसकी पार्थिव देह नूं श्रद्धांजलि देंदे हुए मुख्य चिखा नूं अग्नि दी। इस उपरंत आर्मी दे नाल संबंधित अधिकारियों वालों सलामी देंदे हुए शहीद कुलदीप सिंह नूं अंतिम विदाई दी गई। दसनयोग है कि ओपरेशन स्नो लैपर्ड के तहत द्रास 41 साल बटालियन हवलदार मेजर कुलदीप सिंह ने शहादत का जाम पी लिया। उन्हां दी मौत का कारण साइलेंट अटैक दस्या जा रहा है। इस दौरान मेजर कुलदीप सिंह की धर्मपत्नी रेनू देवी और उन्हां दीआं दो बेटियां मौजूद सन ते उन्हां वल्लों उसके पार्थिव देह नूं अग्नि भेंट की गई। इस दौरान उन्हां दे नज़दीकी रिश्तेदारां तों इलावा भारी गिणती दे विच स्थानक वासी भी मौजूद सन। इस मौके विशेष रूप विच पहुंचे विधायक नालागढ़ लखविंदर सिंह राणा ने कहा कि स्वर्गीय शहीद मेजर कुलदीप सिंह दे परिवार दा देश सेवा विच अहम स्थान है ते उन्हां दे दादा जी स्वतंत्रता सेनानी सन ते उन्हां दे काफी करीबी रिश्तेदार फौज दे विच देश लई सेवा कर रहे हन। आज हमें बड़ा दुख है कि हमारे हल्का नालागढ़ से और हमारे ग्राम पंचायत जगतपुर से कुलदीप सिंह जो है आर्मी में था पर उसकी जो है हमारे लिए से आगे द्रास में जो है उसकी मृत्यु हुई है, शहीद हुआ है। और सभी जो हमारे हल्का नालागढ़ के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, शहीद परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए सभी लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन मुझे बड़ा ये दुख हुआ कि जो हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से जिस प्रोटोकॉल की तरह यहाँ पर पायलट साथ लगनी चाहिए थी, वो पायलट गाड़ी साथ नहीं लगी। और हमारे यहाँ पर जो गार्ड जो सलामी जो देनी चाहिए थी हिमाचल सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, वो भी सलामी नहीं दी गई। लेकिन मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो ये हमारा परिवार है, कुलदीप सिंह जी की जो फैमिली है, दो बच्चियाँ हैं, उनके परिवार को जो है आर्थिक सहायता जो है हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से भी दी जाए और केंद्र सरकार की तरफ से भी जो है इनको सहायता जो है मिलनी चाहिए। और जो इनके फैमिली पीछे परिवार है, इसकी धर्मपत्नी है, दो बच्चे हैं, उनके लिए भी जो है सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ जो है किया जाना चाहिए।